भय्यू महाराज आत्महत्याकांड में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भय्यू महाराज के मामले में उनके घर पर कब्जा जमाने वाली संदिग्ध युवती के टेलीफोन को जब सर्च किया गया, यानी उसके मोबाइल को जब पुलिस द्वारा सर्च किया गया, तो उसमें भय्यू महाराज के नंबर आहो के नाम से सेव मिले। आमतौर पर आहो का इस्तेमाल पत्नियाँ अपने पति के लिए करती हैं। पुलिस ने उसके मोबाइल का डाटा बैकअप लिया तो इस बात के सबूत मिले कि दोनों खुलकर अश्लील बातें करते थे। इंदौर के DIG हरिनारायण चारी मिश्रा के अनुसार पुलिस रिपोर्ट तैयार करने में अंतिम स्थिति आ गई है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि महाराज और संदेही युवती में अंतरंग संबंध बन चुके थे। जांच में शामिल अफसर के मुताबिक युवती और विनायक भी एक दूसरे को मैसेज करते थे, जिसमें युवती ने कई बार पूछा कि भाई अपन प्लान में सफल हो पाएंगे कि नहीं। इस पर विनायक प्लान सक्सेस होने का विश्वास दिलाता था। इस जानकारी के बाद मंगलवार को एक टीम महाराज के घर शिवनेरी पहुंची और पत्नी आयुषी सेवादार PD उर्फ प्रवीण देशमुख, बहन रेणु और मोनू से पूछताछ की। पुलिस ने महाराज के साथ मोबाइल भी बरामद कर लिए। इनसे डेटा डिलीट हो चुका है, जिसे पुलिस रिकवर कराएगी। इधर सद्गुरु धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ने अपील की है कि अनुयायी आरोपों का खंडन करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।